6B, ये पिछले क्लास का ओरल टेस्ट हम अभी थोड़ा सा लेंगे आप लोग से लाइव वीडियो में, ये जज करने की कोशिश कि जे जो जिस टॉपिक पर हम पिछले बार क्लास में बात हुई थी जिसमें 6 क्वेश्चन थे, याद होगा, फोल्डर से 3 क्वेश्चन और फाइल से 3 क्वेश्चन, तीनों में कॉमन क्वेश्चन था कि फोल्डर होता क्या है, फाइल होता क्या है, ठीक बात है, फोल्डर और फाइल बनाते कैसे हैं और फोल्डर और फाइल का यूज क्या है। कॉपी बंद कर दीजिए, शट ऑल योर कॉपीज, टॉपिक लिखने के बाद आपकी कोई कॉपी खुली हुई नहीं होनी चाहिए, जितना देखना है बंद कर। ठीक है, और इसके बाद चूंकि चैप्टर 4 को अभी हमें आप लोग क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, कोई इसमें पेंडिंग नहीं है, नहीं है, तो चैप्टर 4 हमारा एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल में चूंकि हम, मेरी एक क्लास अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी वजह से कोई ऐसा हुआ हो टॉपिक की जिसकी वजह से वह आज तक इंट्रोडक्शन मिला हो, नहीं मिला है कभी, शायद उसका पेज भी नहीं देखे होंगे, कोई दिक्कत है तो उस चीज़ को हम कवर करेंगे। ऐसे नॉर्मली आप जानते भी हैं, मेरे वीडियोज़ आप देखते अगर हैं दूसरी क्लास के, मतलब अगर आपके भैया और दीदी भी इस स्कूल में हैं तो मैं लगभग 7 to 9 एक्सेल ही चला रहा हूँ, है ना, तो क्लास में क्या डिफरेंस होगा। अब आपका जो लेवल होगा उससे थोड़ा हाई लेवल होगा 7 का, थोड़ा सा हाई, 7 से उससे ज़्यादा हाई हो जाएगा 8 का, और 8 से भी उससे ज़्यादा हाई हो जाएगा 9 का, लेकिन चल एक ही रहा है, कोई दिक्कत है, सब लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई टू व्हीलर चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, तो सारा व्हीकल ही है, सारा ट्रांसपोर्ट ही है, तो किस लेवल पर हम कौन सा काम कर रहे हैं वह जज करना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नॉर्मल रूप से, नॉर्मली फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है? फोल्डर में फोटो और फिर वीडियो रख सकते हैं, और फाइल में डॉक्यूमेंट किसी भी चीज का बना। लगभग ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि लगभग ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके पास सही वर्ड्स नहीं आए। नासिर, सेम क्वेश्चन, फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, या दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर पता चल जाए कि क्या है तो डिफरेंस अपने आप सामने आ जाएगा, कोई डाउट है? मतलब आपको इस क्लास के बाद ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज़ पढ़ाई गई है उसका नेक्स्ट क्लास में जरूर सर ओरल लेंगे, और हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन सा बच्चा हमारा ठीक ठाक है। ठीक बात है, चलिए ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है,